गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 22, आर एनवायरनमेंट. आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ओके, सो अर्थ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लैनेट, इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लिविंग बींग्स एग्जिस्ट. वी सी मैनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. हम अपने आस पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. दे आर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉयल, वाटर, वुड एक्सेट्रा. तो हम अपने सराउंडिंग, अपने आस पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. उनमें से कुछ लिविंग बींग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग बींग्स होते हैं. ओके, दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर फॉर्म द एनवायरमेंट. अब ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिल करके एक एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को बनाते हैं और हमारे एनवायरमेंट में एक बैलेंस बना करके रखते हैं. द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन मैनी नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल. ये जो लिविंग बींग्स है ये बहुत सारे नॉन लिविंग बींग्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए. एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. जो लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए. प्लांट्स नीड सॉयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. पेड़ों को मिट्टी की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत है होती है ताकि वो बढ़ सके, ताकि वो ग्रोथ कर सके. Thus we can conclude that both living and non-living things are dependent on each other. तो हम कह सकते हैं कि living और non-living things दोनों ही एक दूसरे पे dependent होते हैं. For instance, soil helps in the growth of plants and plants give us food. जैसे कि हम बोल सकते हैं जो soil है वो पेड़ों के बढ़ने के लिए ज़रूरी है और पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं. We should keep our environment clean. हमें अपना पर्यावरण, अपना environment हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट. हमें अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए. वी कैन स्टे हेल्दी ओनली इफ़ आर एनवायरनमेंट इज़ क्लीन. हम तभी हेल्दी रह सकते हैं जब हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा हो. डर्ट, फिल्थ, एक्यूमुलेटेड वाटर, ओपन ड्रेन्स एंड सीवेज लाइन्स लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स. ओके, सो गंदगी या फिर कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाए या जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, जो ओपन सीवेज होते हैं, वो उससे क्या होता है कि उससे बहुत सारे जर्म्स पैदा होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं. ओके, मस्कीटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड एंड स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. दे आर वेरी हार्मफुल. अब ये जो ओपन ड्रेन्स होते हैं जहाँ पे, ऐसे प्लेसेस में जहाँ डर्टी प्लेस, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ रहता है, इन सब प्लेसेस पे मस्कीटोज़ होते हैं और ये जो मस्कीटोज़ होते हैं, तरह तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं जैसे कि डेंगू और मलेरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. वी कैन कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन बाई फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स. हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रख सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल करें तो. ऑलवेज थ्रो द हाउस होल्ड गार्बेज इन कवर्ड बिन्स. जो हाउस होल्ड वेस्ट या गार्बेज होता है वो हमेशा कवर्ड डस्टबिन्स में फेंकनी चाहिए. नेवर स्पिट, यूरिनेट और डेफिकेट एट ओपन प्लेसेस. हमें कभी भी ओपन स्पेस पर थूकना नहीं चाहिए या वॉशरूम या हमें ओपन स्पेस में यूरिनेट नहीं करना चाहिए. ओके, तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए. कभी भी ओपन स्पेस में हमें, जैसे बहुत लोग की आदत होती है, दे आर मूविंग ऑन द रोड एंड दे विल जस्ट स्पिट ऑन द रोड. रोड पे चलते चलते थूक देते हैं. दिस इज़ वेरी बैड हैबिट एंड इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो. इट स्प्रेड्स मैनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड जर्म्स. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स, गार्बेज और वेस्ट ऑन स्ट्रीट्स, इन ड्रेन्स और इन वाटर बॉडीज. कभी भी प्लास्टिक बैग्स, गार्बेज और वेस्ट को सड़क पे, ड्रेन में या फिर वाटर बॉडीज, यानी कि जो नदियाँ होती हैं या तालाब होते हैं, ऐसे प्लेसेस में कभी भी पानी में कभी भी प्लास्टिक के गार्बेज या प्लास्टिक की चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए. प्लास्टिक का जो गार्बेज है उन्हें स्ट्रीट्स में कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए बिकॉज प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल. प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है. सो वी शुड नॉट थ्रो ऑल दीज थिंग्स इन द स्ट्रीट्स और इन द वाटर बॉडीज. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एज मच एज पॉसिबल. यूज़ पेपर बैग्स एंड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करके पेपर बैग्स का यूज़ करें. ओके, बिकॉज सपोज यू थ्रो द गार्बेज इन द प्लास्ट, रैप्ड इन अ प्लास्टिक इन द वेस्ट. ओके, आप अपने घर का वेस्ट जो है वो आप
थ्रो करते हैं प्लास्टिक में रैप करके. नाउ यू नो दैट द स्ट्रीट काउज गोड्स दे ईट दोज, जो जो रोड पे जो गोड्स और जो काउज होते हैं वो अगर उस प्लास्टिक को खा लेते हैं तो फिर वो उनके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है एंड समटाइम्स इट विल लीड टू डेथ. और कई बार उनकी अगर वो प्लास्टिक अगर वो खा लेते हैं तो कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड सम मेथड्स ऑफ देयर डिस्पोजल. अब हम यहाँ पे तरह तरह के जो वेस्ट के वेस्ट होते हैं उनके टाइप्स पढ़ेंगे और हमें डिफरेंट वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए, वी विल स्टडी अबाउट दैट. नाउ वेस्ट, ओके, लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड बाई ऑल द लिविंग बींग्स. बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में वेस्ट जनरेट कर होता है हम ह्यूमन बींग्स की वजह से. ओके, वेस्ट आर मटेरियल्स विच आर नो लॉन्गर यूजफुल. वेस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो और दोबारा वो यूज़ में नहीं ला सकते. दीज वेस्ट हार्म आवर एनवायरनमेंट इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. ओके, तो अगर हम इन वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं करते हैं प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से तो फिर वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. देर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट जो है दो तरह के होते हैं. ओके, हाउस होल्ड वेस्ट लाइक लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, पेपर एंड लीव्स रॉट ईजिली एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. सच वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, ना जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं जैसे बचा हुआ खाना हो गया, सब्जी की छिलके हो गए, फ्रूट्स हो गए, पेपर हो गए, उसके बाद पत्ते होते हैं जो पेड़ों के जो पत्ते झड़ते हैं वो भी वेस्ट होते हैं. ये सारी चीज़ें क्या है ना कि अगर आप इसको कहीं पर डिकम्पोज करते हैं तो ये आसानी से सड़ जाती है और मतलब वो आसानी से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है. ओके, तो इन वेस्ट को जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैंस एंड फॉयल, केमिकल्स एंड पेंट्स डू नॉट रोट ईजली और गेट मिक्सड विद द सॉइल. दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. सच वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम कैंस हो गए, फॉयल हो गए, ठीक है, केमिकल्स हो गए, पेंट्स हो गए, ये सारी फिर प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के रैपर्स जो पॉलिथीन्स होते हैं, दीज थिंग्स दे डू नॉट रोट ईजली. ये आसानी से सड़ती नहीं है और ये आसानी से मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होती हैं. ओके, दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. उन्हें डिकम्पोज होने में सॉइल के साथ मिक्स होने में हज़ारों साल लग जाते हैं. सच वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इन वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेरी हार्मफुल फॉर आर एनवायरनमेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है. दे ब्लॉक द ड्रेन्स एंड पोल्यूट द लैंड एंड वाटर बॉडीज. अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, एल्यूमिनियम कैंस हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये जो ड्रेन्स होते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं, सीवेज होते हैं, उसको भी ये जाम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं वाटर बॉडीज़ को, और जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूटेड हो जाती हैं, उसमें बहुत सारे डिजीज़ फैलते हैं उससे. ओके, सो मैनी एनिमल्स डाई व्हेन दे ईट प्लास्टिक फ्रॉम द गार्बेज डंप्स. अब जब प्लास्टिक में रैप करके आप कोई चीज़ें जब आप फेंकते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं जो रोड पे जो स्ट्रीट के जो एनिमल्स होते हैं वो उस प्लास्टिक को खा जाते हैं. उन्हें पता नहीं होता, वो दूसरी चीज़ों के साथ प्लास्टिक को भी चबा के खा जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है. ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल. नेक्स्ट इज़ वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट जनरेटेड इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड इन डिफरेंट वेज. ओके, जो तो टाउन्स और सिटीज़ में जो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है तो उनको डिस्पोज करने का उनको अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाता है. गार्बेज इज़ कलेक्टेड बाई गार्बेज डंप ट्रक्स एंड डिस्पोज्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. गार्बेज को जो है गार्बेज जो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ट्रक से गार्बेज डंप ले जाया जाता है उसे डंप करने के लिए, तो गार्बेज ट्रक्स में गार्बेज को लोड करके ले जाया जाता है और फिर उसे डिस्पोज किया जाता है. नाउ देर आर डिफरेंट वेज ऑफ देयर डिस्पोजल. अब उनको डिस्पोज करने के भी कई वेज होते हैं. फर्स्ट वन इज़ बर्निंग. इन दिस प्रोसेस वेस्ट इज़ कलेक्टेड एंड डम्प्ड एट वन प्लेस देन इट इज़ बर्न्ड. इस बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है कि पूरे वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और एक ही जगह पर उसे डंप किया जाता है और फिर बाद में उसे जला दिया जाता है. पॉइजनस वेस्ट एंड केमिकल्स आर बर्न्ड सेपरेटली इन ह्यूज फर्नेसेस. जो पॉइजनस वेस्ट होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं उनको अलग से जलाया जाता है. ओके, उनको अलग से ह्यूज फर्नेस मीन्स एक अलग जगह पर ले जा करके और
जो केमिकल्स और पॉइजनस जो होते हैं इनको अलग करके एक अलग जगह पे इन चीज़ों को डंप करके उनको जलाया जाता है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कॉजेस एयर पोल्यूशन। अब ये जो बर्निंग जो किया जाता है वेस्ट को, चाहे वो केमिकल्स को हो या फिर डिफरेंट वेस्ट को, जब इस तरह से डंप करके एक जगह पे उनको जलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डंपिंग। इन दिस मेथड द वेस्ट इज जनरेटेड बाय द ट्रक्स एंड डंप्ड इन द ओपन स्पेस आउटसाइड द टाउन्स और सिटीज। दिस मेथड टू पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। अब ये डंपिंग में क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसको ट्रक्स में इकट्ठा किया जाता है और फिर इनको ओपन स्पेस में, मतलब शहर के बाहर, ओपन टाउन मीन्स शहर के बाहर कहीं दूर ले जा करके इनको ओपन स्पेस में डंप कर दिया जाता है, इनको जलाया नहीं जाता। डंपिंग का मतलब जितने भी वेस्ट होते हैं उनको कलेक्ट करके शहर से दूर कहीं ओपन स्पेस में ले जा करके उसे वहाँ पे डंप कर दिया जाता है, एक जगह पे उनको जलाया नहीं जाता। ओके, नाउ दिस मेथड टू पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। अब इस मेथड से भी पोल्यूशन फैलता है क्योंकि वेस्ट जब एक जगह पे आप डंप करते जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे बहुत गंदगी होती है जिससे बहुत सारे जर्म्स और डिजीजेस फैलती है, इवन एयर पोल्यूशन ऑल्सो स्प्रेड्स। ओके, सो दिस मेथड इज ऑल्सो डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट एंड इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर लैंडफिल्स। डीप पिट्स आर डग इन द ग्राउंड इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज। दीज पिट्स आर फिल्ड अप विद गार्बेज एंड कवर्ड विद सॉइल। सच अ लैंड इज यूज टू बिल्ड पार्क्स एंड गार्डन्स। अब लैंडफिल्स में क्या होता है कि कहीं पे किसी भी लैंड में एक जगह पे बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, बहुत ही गहरा, बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं और फिर वहाँ पे सब वेस्ट को कलेक्ट करके, और ये जो लैंडफिल्स, ये जो पिट्स बनाते हैं, जो गड्ढे बनाते हैं, इसको भी शहर के बाहर ही बनाया जाता है। ओके, नाउ इन दीज पिट्स व्हाट दे डू, एक पहले तो एक बड़ा सा गड्ढा खोद के ग्राउंड में, काफ़ी बड़े एरिया में ये गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे पूरे वेस्ट को कलेक्ट द वेस्ट दे एंड दे डंप द वेस्ट इन दैट वन प्लेस। ठीक है, उसके बाद उन वेस्ट को, सब जगह से वेस्ट को कलेक्ट करके उस एक प्लेस में उसे डंप कर दिया जाता है, उस गड्ढे में, उस पिट में वो सभी वेस्ट को डाल दिया जाता है और डाल देने के बाद फिर उसको ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। अब उस लैंड का वो क्या यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसी लैंड में गवर्नमेंट क्या करती है, पार्क्स और गार्डन्स ये सब कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं। ठीक है, नीचे गड्ढा खोदा जाता है बड़ा सा, उसमें वो लोग वेस्ट डालते रहते हैं, फिर उसको ऊपर से मिट्टी से भर देते हैं और मिट्टी से भर देने के बाद ऐसे लैंड के ऊपर फिर वो गार्डन्स या पार्क्स ऐसा कुछ वो बनवा देते हैं। ओके, नाउ कंपोस्ट पिट्स। दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन विलेजेस। ओके, ये जो कंपोस्ट पिट्स है ये विलेजेस में प्रैक्टिस किया जाता है। पिट्स आर डग इन द ग्राउंड एंड वेस्ट इज डम्प्ड इनटू देम। ये देखिए, ये है कंपोस्ट पिट। इसमें क्या होता है, ये विलेजेस में किया जाता है, इसमें गड्ढे इस तरह से बनाए जाते हैं और वेस्ट को इसमें डंप किया जाता है। आफ्टर सम टाइम द वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर एंड दिस मैन्योर इज यूज्ड बाय द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब फिर क्या जाता है कि इसमें वेस्ट डाला जाता है। ठीक है, अब ये जो वेस्ट है, धीरे धीरे ये वेस्ट जो है सड़ करके वो खाद बन जाता है, मैन्योर। ठीक है, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, सॉइल के साथ मिक्स होकर के वो एक खाद बन जाता है। एंड आफ्टर दैट दिस मैन्योर इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन देयर फार्म्स। उसके बाद फार्मर्स जो है इस मैन्योर, जब ये जो वेस्ट है, जब ये मिट्टी के साथ मिक्स होकर मैन्योर बन जाता है, व्हेन इट मिक्सेस विद द सॉइल एंड टर्न्स इनटू अ मैन्योर, देन दिस मैन्योर, फिर इस मैन्योर को वो जो फार्मर्स है वो अपने खेतों में, अपने फार्म्स में क्रॉप्स कल्टिवेट करने के लिए उसमें उसका यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3R strategy. 3R strategy इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। इट इंक्लूड्स 3 steps, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R strategy जो है एक बहुत ही इफेक्टिव वे है अब हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने का। इसमें 3 steps होते हैं, पहला है रिड्यूस, देन रीयूज एंड रिसाइकिल। ओके, नाउ वी शुड अवॉइड परचेजिंग अननेसेसरी गुड्स। रिड्यूस का मतलब ये है कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है ऐसे चीज़ों को हमें खरीदने से बचना चाहिए। दे ओनली इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट विच इन टर्न हार्म्स आवर एनवायरनमेंट। अब इससे क्या होता है कि अगर हम अननेसेसरी चीज़ों को खरीदते हैं तो फिर वेस्ट भी ज़्यादा इकट्ठा होता है और जब वेस्ट ज़्यादा होता है तो फिर वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है।
सम थिंग्स आर रीयूजेबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं. वी कैन डोनेट ओल्ड बुक्स, टॉयज, यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स टू द नीडी पीपल. हम जो ओल्ड पुरानी जो बुक्स होते हैं, खिलौने होते हैं, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं पुराने, तो इन सब चीज़ों को हम गरीब लोगों को जिनके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, हम उनको डोनेट कर सकते हैं, हम उनको दान में दे सकते हैं उनको फेंकने के बजाय. ठीक है, उनको फेंकने की जगह पे जो चीज़ें हमारे काम में अब नहीं है, और अगर वो कोई और जो नीडी लोग हैं जिन्हें जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं ताकि वो उन चीज़ों का यूज़ कर लें. ठीक, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इंटू यूटिलिटी प्रोडक्ट्स. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लॉथ बैग्स कैन बी मेड आउट ऑफ ओल्ड टी शर्ट. जैसे जो कपड़े के जो बैग्स होते हैं, जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं या फिर पुराने बेड शीट या कुछ ऐसे होते हैं, तो हम पुराने टी शर्ट का या पुराने कपड़े से हम कपड़े के बैग बना सकते हैं. पेन होल्डर्स कैन बी मेड फ्रॉम कार्डबोर्ड बॉक्सेस. जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उनकी हेल्प से हम पेन होल्डर्स बना सकते हैं. वेस्ट वाटर ऑफ द किचन कैन बी रीयूज्ड इन वेरियस वेज एक्सेट्रा. किचन का जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसको हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उसको भी अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स इज नोन एज रीसाइकिलिंग. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि पुराने वेस्ट चीज़ों से उसको फिर उस पुराने वेस्ट प्रोडक्ट से जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रीसाइकिलिंग. सम वेस्ट कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड. कुछ वेस्ट जो है वो आसानी से रिसाइकल हो जाती हैं. सम वेस्ट लाइक पेपर, एलुमिनियम कैंस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड ग्लास बॉटल्स आर रिसाइकल्ड इन फैक्ट्रीज. कुछ वेस्ट जैसे कि पेपर, एलुमिनियम कैंस, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और ग्लास बॉटल्स, इनको फैक्ट्रीज में रिसाइकल किया जाता है. This 3R strategy of reduce, reuse and recycle is very effective in keeping our surroundings clean. तो ये जो 3R strategy है, ये reduce, reuse and recycle, ये बहुत ही effective है हमने अपने environment को clean रखने के लिए. Now points to remember, living and non-living things are dependent on each other. जो living और non-living things है वो एक दूसरे पे dependent है. To remain healthy, we should keep our surroundings clean. Healthy रहने के लिए हमें अपने आसपास सराउंडिंग्स जो है वो साफ़ सुथरा रखना होगा. वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. वेस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स वो वेस्ट जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते और जो आसानी से सड़ते नहीं हैं. ओके, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन मैनी वेज. देर आर डिफरेंट वेज फॉर द वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट को डिस्पोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. द 3R स्ट्रेटजी ऑफ रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल इज़ वेरी इफेक्टिव इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. तो ये जो 3R स्ट्रेटजी है रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का, ये जो 3R स्ट्रेटजी है ये बहुत ही इफेक्टिव है अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए. ओके, You also once go through the chapter thoroughly, read the chapter thoroughly once again.